हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दबंग सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके अलावा वो दबंग 2 के सीक्वल दबंग 3 और भारत जैसी फिल्मों पर भी काम कर रहे हैं। अब ये तो सबको पता ही है कि साल 2017 खत्म होते होते सलमान ने अपना जादू चला ही दिया। दरअसल 2017 में सलमान की दो फिल्में आई थी, पहली ट्यूबलाइट और दूसरी थी फिल्म टाइगर जिंदा है। ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म ने वो कमाल नहीं दिखाया था जो हर बार सलमान की फिल्में दिखाती हैं। फिल्म को कबीर खान ने बनाया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद से ही खबर आने लगी थी कि कबीर खान और सलमान के रिश्तों के बीच दरार आ गई है। ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान इन दोनों में किसी न किसी चीज को लेकर कई बार मतभेद हुए। इस वजह से इनके बीच गर्मा गर्मी भी हुई, जिसके कारण फिल्म की क्रू भी दंग रह गई। सलमान द्वारा दिए गए सजेशन को कबीर नहीं मानते थे, जिस वजह से दोनों में तकरार हो गई। दोनों के बीच कई बार बहस हुई। वहीं बाद में सलमान ने एक था टाइगर के सीक्वल टाइगर जिंदा है में डायरेक्टर के तौर पर अली अब्बास जफर को ले लिया, जिसके बाद कबीर को एहसास हो गया कि उनकी और सलमान की दोस्ती अब खत्म सी हो गई है। अब आजकल सलमान अपनी हर फिल्म के लिए अली को ही रेकमेंड करते हैं। सलमान ने अली को अपनी फिल्म भारत में भी डायरेक्टर का जिम्मा दिया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।